नमस्कार, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इजी कैश पॉइंट के पोर्टल में रिटेलर कैसे ट्रांजैक्शन डिटेल निकाल सकते हैं। तो अगर आप ट्रांजैक्शन डिटेल जानना चाहते हैं, मान लीजिए कभी आपने ट्रांजैक्शन किया और 4 दिन पहले 5 दिन पहले का कोई ट्रांजैक्शन डिटेल जानना हो तो किस तरह से आप ट्रांजैक्शन डिटेल निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप अगर मोबाइल पर यूज करते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप पर यूज करते हैं, जिस पे भी आप यूज करते हैं, आप बहुत ही आसानी से अपना ट्रांजैक्शन डिटेल निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कस्टमर वाइज कैसे निकालते हैं। प्रत्येक कस्टमर का डिटेल अगर निकाल कर चेक करना चाहें तो कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए आपको नॉर्मली क्रोम ओपन कर लेना है। आप चाहे मोबाइल पे, सिस्टम में, लैपटॉप में, जिसमें भी यूज कर रहे हो, आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और इस तरह से mydigitalpayment.com जो वेबसाइट आप देख पा रहे हैं, mydigitalpayment.com इस तरह से सर्च कर लेंगे। उसके बाद इस तरह का लॉगिन पेज आ जाता है और अपने रिटेलर आईडी को लॉगिन कर लेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक रिटेलर आईडी लॉगिन करके आपको दिखाने वाला हूँ कि कस्टमर रिपोर्ट आप कैसे निकाल सकते हैं ट्रांजैक्शन का। आप जिस भी तरह का ट्रांजैक्शन का डिटेल आप जानना चाहें तो यहाँ से जान सकते हैं। तो इस तरह से लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है आपका वॉलेट का। लॉगिन हो जाने के बाद आपको ये 3 लाइन जो आप देख पा रहे हैं, ये 3 लाइन के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये 3 लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस होता है आपका वॉलेट का। यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट का ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होता है जिसमें आप देख पा रहे हैं रिपोर्ट टाइप, किस टाइप का आपको रिपोर्ट जानने की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से आपको जो भी रिपोर्ट जानना हो अपने वॉलेट का, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपको रिचार्ज का जानना है तो रिचार्ज सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको मनी ट्रांसफ़र DMT जिसको बोलते हैं, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र, यही हुआ मनी ट्रांसफ़र के लिए, ये सेलेक्ट करेंगे। AEPS जो आधार के थ्रू विड्रॉल करते हैं वो AEPS के अंतर्गत हो गया। MATM माइक्रो ATM हुआ, इंश्योरेंस, कैश आउट, कमीशन, वॉलेट, इस तरह का पूरा रिपोर्ट है आपके सामने। एक एक करके आप पूरी डिटेल निकाल सकते हैं जब कभी जानना हो। तो ज़्यादातर जो रिटेलर को समस्या होता है या रिटेलर नहीं निकाल पाते हैं या ज़रूरत ज़्यादातर जो डिमांड होता है रिटेलर का रिपोर्ट जानने का, वो होता है AEPS। AEPS में कई बार ऐसे होते हैं रिटेलर 10 लोगों का 20 लोगों का विड्रॉल करते हैं, 10-20 कस्टमर का विड्रॉल करते हैं। तो वैसे में कई कदल ऐसे होते हैं, रिटेलर को कन्फ्यूजन खुद हो जाता है, उसे ये मालूम नहीं चल पाता है कि ये कस्टमर का विड्रॉल हुआ था या नहीं हुआ था। कई रिटेलर को ये जानने की ज़रूरत होता है कि 4 दिन पहले जो मैंने वो कस्टमर का ट्रांजेक्शन किया था कितना अमाउंट किया था और सक्सेस हुआ था या नहीं हुआ था। ऐसा जो बराबर ज़रूरत होता है रिटेलर को, तो उसके लिए AEPS, अगर आधार के थ्रू विड्रॉल का ट्रांजेक्शन जानना है तो AEPS को सेलेक्ट करेंगे। AEPS को सेलेक्ट करने के बाद आप AEPS 1 या 2 जिससे भी काम करते हो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मैं AEPS 2 को सेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि इस आईडी में 2 से काम होता है। तो यहाँ पे AEPS मैंने सेलेक्ट कर दिया 2। उसके बाद डेट, किस डेट का आपको ट्रांजैक्शन डिटेल जानना है उस डेट को आप डालेंगे। तो हमको जानना है 29 जुलाई, तो 29 तारीख यहाँ पर मैंने डाल दिया है। उसके बाद 29 से लेके मैं 31 कर देता हूँ, उसके बाद सबमिट कर देता हूँ। तो ये 29 से 31 के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ होगा वो हमारे सामने इस तरह से शो हो जाता है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जो भी ट्रांजैक्शन 29 से 31 के बीच हुआ है, यहाँ पे डेट हमने डाला है और ये पूरा डिटेल हमारे सामने नीचे आ चुका है। तो मान लीजिए कस्टमर वाइज हमको अगर चेक करना हो, कोई कस्टमर का कन्फ्यूजन हो गया हमको खुद कि मैंने कितना विड्रॉल किया था, विड्रॉल हुआ था या नहीं हुआ था, तो कैसे चेक कर पाएंगे। उसके लिए बिल्कुल आसानी से आप चेक कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए सर्च का एक ऑप्शन है, सर्च में आप कस्टमर का आधार का लास्ट 4 नंबर डालेंगे जिससे उसका पूरा डिटेल आ जाएगा कि उस कस्टमर का कितना विड्रॉल हुआ था। मैं फ़िलहाल यहाँ पे कस्टमर का आधार का लास्ट 4 नंबर डाल देता हूँ। ये देखिए कस्टमर का लास्ट 4 आधार नंबर डालने के बाद सारे ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक ख़त्म यहाँ पे हो चुका है। आप देख पा रहे हैं सारे ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक हाइड हो चुका है और सिर्फ जो ट्रांजेक्शन ये कस्टमर का हुआ है उसका डिटेल सिर्फ हमारे सामने शो हो रहा है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा प्रीवियस अमाउंट था इस कस्टमर का विड्रॉल करने से पहले 1103 रुपया था, प्रीवियस अमाउंट देख पा रहे हैं आप 1103 रुपया था। और ट्रांजेक्शन अमाउंट में आप देख पा रहे हैं कि कितने का इसका मैंने ट्रांजेक्शन किया था, तो 1000 रुपया का किया था ये कस्टमर का। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि 1103 रुपया था, 1000 का विड्रॉल हुआ, उसके बाद हमारा वॉलेट में 1100 और 1000 का विड्रॉल होने के बाद 2103 रुपया हो गया। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन हमारा सक्सेस है या फेल्ड है ये भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेस है।
तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं आसानी से। जब कभी आपको रिपोर्ट जानना हो, लगातार ये रिटेलर को ज़रूरत होता है। कभी कदल रिटेलर खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने कितना ट्रांजेक्शन किया था, और वो भूल जाते हैं, या 4 दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले का ट्रांजेक्शन वो जानना चाहते हैं कि वो ट्रांजेक्शन हमारा हुआ था या नहीं हुआ था। देख पा रहे हैं, आपको मैंने अभी सिखाया कि किस तरह से आप कस्टमर वाइज अपना रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं 1103 रुपया था हमारा विड्रॉल करने से पहले उस दिन में, 1000 का विड्रॉल किया, उसके बाद 2100 रुपया हमारा वॉलेट में हो गया, और ये जो ट्रांजेक्शन है सक्सेस ट्रांजेक्शन है, हमारा वॉलेट में क्रेडिट भी हुआ है। क्रेडिट होने से पहले कितना था, 1103 वो भी शो कर रहा है, क्रेडिट 1000 होने के बाद 2103 रुपया हुआ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कस्टमर वाइज हुआ। अगर प्रत्येक कस्टमर का आप जानना चाहते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं कस्टमर का आधार का लास्ट 4 नंबर भी शो कर रहा है जो मैंने यहाँ पे एंटर किया है, ठीक है। तो इस तरह से आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। अगर फेल्ड होगा तो फेल्ड यहाँ पे शो करेगा। तो रिटेलर को ये बहुत ज़रूरी वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो आपको कस्टमर वाइज चेक कैसे करना है इस वीडियो में आप अच्छे तरह से सीख जाएंगे। तो अगर आपको जब भी ज़रूरत पड़ता है कि आप 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, क्योंकि कई बार रिटेलर ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू इस वजह से फ़ोन करते हैं कि सर मैं 4 दिन पहले इस कस्टमर का विड्रॉल किया था, या 26 तारीख के डेट में, 25 तारीख के डेट में मैंने सर एक कस्टमर का ट्रांजेक्शन किया था, इसका आधार नंबर ये है, थोड़ा चेक करके बता दीजिए कि ये कस्टमर का विड्रॉल हुआ था या नहीं हुआ था। तो ये बोलने का आपको अब ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो में आपने सीख लिया है कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं आसानी से। मान लीजिए हमारा वॉलेट में 1103 रुपया था, 1000 विड्रॉल करने के बाद 2100 हुआ, उसके बाद भी जानना है कि उस दिन आपने क्या किया था, तो वो आप यहाँ पे चेंज करके वॉलेट रिपोर्ट में जा सकते हैं। तो वॉलेट रिपोर्ट में यहाँ पे जाएंगे, आपको वॉलेट का पूरा डिटेल आ जाएगा। जैसे वॉलेट 2 को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि इस आईडी में 2 से काम होता है, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 29 तारीख का मुझे ये क्रेडिट हुआ है 1029 से लेके 30 डाल देता हूँ, सेम ट्रांजेक्शन को जो अभी AEPS से मैंने बताया कि कैसे विड्रॉल हुआ। और उसके बाद अगर पूरा डिटेल अगर जानना हो, तो यहाँ पे हम वॉलेट सेलेक्ट करके पूरा डिटेल ले सकते हैं उस दिन का, कि क्रेडिट कैसे हुआ, कमीशन कितना मिला, क्या हुआ नहीं हुआ, वो पूरा डिटेल यहाँ पे रहता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अभी आपने थोड़ी देर पहले दिखाया आपको मैंने, 1103 रुपया था, 1000 का विड्रॉल हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं 2103 रुपया हो गया हमारा वॉलेट में, उसके बाद 2 रुपया कमीशन भी मिला यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे टोटल हो गया हमारा 2105 रुपया। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कमीशन मिलने के बाद कितना हुआ, इस तरह का पूरा रिपोर्ट है। उसके बाद का ट्रांजेक्शन अगर आप जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2100 रुपया था, फिर 1100 का क्या हुआ, ये देखिए AEPS कैश विड्रॉल लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ 1100 रुपया का विड्रॉल हुआ 2100 के बाद। उसके बाद देखिए 3205 रुपया हुआ, 2 रुपया 20 पैसा कमीशन मिला। इस तरह से आप पूरी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। अगर AEPS का जानना है, तो अभी जस्ट मैंने बताया AEPS के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप AEPS 2-1 जिससे भी काम करते हो वो डेट आप डालेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट कर देने के बाद आपके सामने जो भी वो ट्रांजेक्शन उस डेट का होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे कस्टमर का आधार का लास्ट 4 नंबर डालेंगे, ये जो सर्च लिखा हुआ है, अगर आप लैपटॉप मोबाइल जिससे भी यूज करते हो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे सर्च में आप अपना कस्टमर का जो भी आधार नंबर होगा लास्ट का 4, वो यहाँ पे आप डाल देंगे। डाल देने के बाद देखिए सारे ट्रांजेक्शन हाइड हो चुका है, और वही ट्रांजेक्शन सिर्फ शो कर रहा है जो ये कस्टमर का मैंने निकाला है। तो ये कस्टमर वाइज इस तरह चेक कर पाएंगे आप। देख पा रहे हैं प्रीवियस अमाउंट 1103 रुपया था, 1000 का विड्रॉल हुआ, 2103 रुपया हुआ, तो हमारा वॉलेट में ये सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन है। तो इस तरह से आप पूरी रिपोर्ट जान सकते हैं, क्योंकि रिटेलर बराबर ये पूछते हैं कि सर 3 दिन पहले मैंने ये कस्टमर आधार नंबर 3435 है, 3482 है, थोड़ा चेक करके बताइए। तो कोई बताने का ज़रूरत ही नहीं है, इसमें आप खुद से चेक कर सकते हैं, आसानी से चेक कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई समस्या होता हो तो आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि रिपोर्ट कैसे चेक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।